नमस्कार, आप देख रहे हैं ENTV और मैं हूं आपके साथ उषा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। हिमाचल में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रविवार को हुई बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि जिला शिमला के रामपुर में बादल फटा, जिससे काफी नुकसान भी हुआ है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। शिमला में रामपुर बुशहर के बधाल में बादल फटने से घरों और नेशनल हाईवे को नुकसान हुआ है। सड़क पर मलबा आ गया है। बताया जा रहा है कि एक छोटी गाड़ी भी गायब है, जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। किन्नौर और स्पीति के लिए वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप है। बादल फटने के बाद आई बाढ़ ने एक होटल स्पेत के वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया है। बधाल खड्ड में पानी बढ़ने से मुख्य मार्ग पर पैदल आवाजाही भी ठप है। सोमवार सुबह करीब 3:40 पर यह घटना हुई है। मार्ग बहाल करने के कार्य में मशीनरी की कमी में दिक्कतें आ रही हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को सचेत किया है। इस घटना में कितना नुकसान हुआ है अभी तक आकलन नहीं हो पाया है। सूचना है कि बाढ़ की चपेट में आने से वाहन भी बह गए हैं, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि बधाल के जंगल में बादल फटा है और उसके बाद बाढ़ की स्थिति बनी। बाढ़ का मलबा नीचे आकर नेशनल हाईवे में काफी बिखर गया है। मलबे के साथ काफी मोटे पेड़ और पत्थर भी आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV। जिला चंबा की मणिमहेश यात्रा रोक दी गई है। ब्रंगनाला में भरमौर को हरसर से जोड़ने वाला पुल भारी बारिश के कारण बह गया है। इस कारण सैकड़ों श्रद्धालु फंस गए हैं। वहीं प्रशासन ने अन्य क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं से फिलहाल यात्रा स्थगित करने की अपील की है। पवित्र मणिमहेश यात्रा पर इस वर्ष मौसम की बेरुखी भारी पड़ रही है। खराब मौसम के चलते एक बार फिर मणिमहेश यात्रा अस्थायी तौर पर स्थगित कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक रविवार रात हुई मूसलाधार बारिश के चलते ब्रांगला नाले पर बना पुल बह गया है। हरसर और भरमौर को जोड़ने वाला यह पुल मणिमहेश यात्रा का एकमात्र सड़क रूट है। पुल के पूरी तरह बह जाने से मणिमहेश यात्रा को अस्थायी तौर पर स्थगित किया गया है। चंबा जिला प्रशासन पुल स्मारक को पुल से जोड़ने के प्रयासों में जुट गया है। वहीं प्रशासन ने अन्य क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं से फिलहाल यात्रा स्थगित करने की अपील की है। इंदौरा से गगन की रिपोर्ट। पुलिस द्वारा नशे के तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ रखा है और रोजाना कई नशे तस्कर पुलिस काबू कर रही है। इंदौरा थाना की पुलिस और जिला नारकोटिक सेल की संयुक्त टीम ने 2 युवकों को चिट्टे सहित काबू करने में सफलता हासिल की है। पुलिस द्वारा नशा तस्कर के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ रखा है और रोजाना कई नशा तस्कर पुलिस काबू कर रही है। पुलिस की इतनी सख्त कार्रवाई की परवाह न करते हुए ये तस्कर फिर भी बेखौफ होकर नशे की तस्करी का कारोबार करने में जुटे हुए हैं। रविवार फिर देर शाम इंदौरा थाना की पुलिस और जिला नारकोटिक सेल की संयुक्त टीम ने गश्त के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर 2 युवकों को चिट्टे सहित काबू करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी इंदौरा सुरेंद्र सिंह धीमान ने बताया, रविवार को थाना इंदौरा के सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह की टीम और जिला नारकोटिक सेल की संयुक्त टीम मलोट गांव में गश्त कर रही थी। इस दौरान गुप्त सूचना मिली, कार में सवार होकर 2 युवक नशे की तस्करी करने जा रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की गश्त कर रही टीम ने आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग करना शुरू कर दी। इस दौरान एक कार जो कि मोहटली की तरफ से आई, जिसमें 2 युवक सवार थे, जैसे ही उनकी नज़र रोड पर गश्त कर रही पुलिस की टीम पर पड़ी तो उक्त दोनों युवक कार को भगाने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने मौके पर ही उनको पकड़ लिया और कार की तलाशी लेने पर कार के बोनट से एक प्लास्टिक के पाउच में लगभग 5.90 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पकड़े गए दोनों आरोपियों की पहचान राहुल 23 वर्ष पुत्र सागर सिंह निवासी बदबाड़ा तहसील फतेहपुर और रवि कुमार 27 वर्ष पुत्र टिट्टा राम गाँव सुनहेट थाना फतेहपुर के रूप में हुई। पुलिस ने पकड़े गए नशे की खेप और कार को कब्जे में लेकर आरोपियों को गिरफ्तार करके थाना इंदौरा में मामला दर्ज कर लिया है, जिन्हें सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। DSP नूरपुर डॉक्टर साहिल अरोड़ा ने मामला दर्ज होने की पुष्टि की है। इंदौरा से गगन की रिपोर्ट। मंडी जिला के सुंदरनगर में NH 21 मनाली पर प्रदेश पुलिस की गाड़ी और एक कार में जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में दोनों वाहनों में सवार 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। मंडी जिला के सुंदरनगर में रविवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 21 चंडीगढ़ मनाली पर प्रदेश पुलिस की गाड़ी और एक कार में जोरदार टक्कर हो गई। जानकारी के अनुसार रविवार को नैट चौक से सुंदरनगर की तरफ जा रही बीट कार बिलासपुर की ओर से आ रही पुलिस वैन ने नरेश चौकों पर ऑटो को बचाते हुए जा भिड़ी। इस दुर्घटना में दोनों वाहनों में सवार 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे BSL थाना के कर्मियों ने जरूरी कार्रवाई के उपरांत दोनों वाहनों को सड़क से हटा दिया। मामले की पुष्टि करते हुए SHO BSL कॉलोनी कमलकांत ने कहा कि दोनों पक्षों में समझौता होने के चलते मामला दर्ज नहीं किया गया।
ब्यूरो रिपोर्ट ENTV। मंडी के लोहरा गांव में एक बस और टिप्पर की भयानक टक्कर होने का मामला सामने आया है, जहां हादसे में टिप्पर चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। मंडी के लोहरा गांव में एक बस और टिप्पर की भयानक टक्कर होने का मामला सामने आया है, जहां हादसे में टिप्पर चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। लोगों ने घटना स्थल की सूचना पुलिस को दे दी है। खबर लिखे जाने तक मौके पर कोई प्रशासनिक या पुलिस अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। बता दें कि ये हादसा कार को बचाने के चक्कर में हुआ है, वहीं घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।